Hi everyone, welcome to the second part of technical analysis revision video for CFA level one. So, तो हमने यहाँ तक हमने इस चीज़ को complete किया था. अब हम बात करते हैं drawbacks की. Technical analysis के क्या drawbacks हैं? एक तो है हम exam perspective से देखेंगे और एक है practically दिन देखेंगे. तो exam perspective से थोड़ी सी यहाँ पे confusion है जो कि आगे clear होगी. टेक्निकल एनालिसिस का जो ड्रॉबैक है कि टेक्निकल एनालिसिस लेट सिग्नल देता है लेट सिग्नल कैसे देता है कि आपने देखा शेयर का प्राइस ऑलरेडी नीचे चला गया अब वो बता रहा है कि आप शॉर्ट करो या शेयर ऑलरेडी ऊपर चला गया अब वो बता रहा है कि आप बाय करो तो कह रहे हैं कि टेक्निकल लेट सिग्नल देता है बट इसका एडवांटेज भी है कि टेक्निकल एनालिसिस एडवांस सिग्नल्स देता है हाउ अगर बात करें Yes बैंक की तो Yes बैंक में न्यूज़ आने से पहले या सत्यम की न्यूज़ आने से पहले जब उसमें फ्रॉड हुआ था उसमें मैनेजमेंट uh, को लेकर कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए थे तो चार्ट्स ने ऑलरेडी बता दिया था कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है वाई क्योंकि इंसाइडर्स ऑलरेडी उस शेयर को सेल कर रहे थे शेयर प्राइस गिर रहा था तो टेक्निकल एनालिसिस एडवांस में भी सिग्नल्स बता सकता है क्वेश्चन इसमें आ नहीं सकता इंस्टीट्यूट आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा कि बताओ ये ड्रॉबैक है या नहीं है अगर बोले ड्रॉबैक है वो है बोले की एडवांटेज है कि वो एक एडवांस सिग्नल्स देता है वो भी है तो बोथ आर एक्यूरेट इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी में ऑफन चेंज एब्रप्टली एंड ट्रेंड रिवर्सल में चेंज आपने एक ट्रेंड देखा आपने एक पैटर्न देखा अच्छा ये तो वही पैटर्न बन गया ये तो वही ट्रेंड बन गया चलो बाय करते हैं चलो सेल करते हैं चेंज हो सकता है उस टाइम सेलर ज़्यादा आ गए उस टाइम बायर ज्यादा आ गए तो कुछ भी हो सकता है तो आप 100% परसेंट एक्ूरेट तरीके से आप प्रोडिक्ट नहीं कर सकते टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्टिव है मुझे बाय दिखेगा आपको सेल दिख रहा है मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया मुझे बाय दिख रहा है आपने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया आपको सेल दिख रहा है तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव या सेम चार्ट को सेम टाइम फ्रेम पे भी दोनों को बाय दोनों को सेल दिख सकता है टेक्निकल एनालिसिस ओवन प्रोवाइड रॉन्ग सिग्नल्स कभी कभी गलत सिग्नल भी आते हैं जैसे हमने डिस्कस किया लेस इफेक्टिव इन इन लिक्विड मार्केट्स जहाँ पे बायर सेलर ज्यादा नहीं होते उस केस में ये एनालिसिस काम नहीं करती ट्रेडिंग में अगर करियर बनाना है तो उस केस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक है मनी मैनेजमेंट एक है रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है पोजीशन साइजिंग कि मैं अपनी कैपिटल का कितना परसेंट एक ट्रेड में एलोकेट करता हूँ एंड रिस्क मैनेजमेंट इज फॉलोइंग योर प्लान मैंने प्लान किया इतना टारगेट है टारगेट आने पर मैं एग्जिट कर जाऊँगा मेरा प्लान है कि मैं स्टॉप लॉस आएगा मैं स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लूँगा बात करते हैं ड्रॉबैक्स फंडामेंटल एनालिसिस की Deviations from आई वी जीरो में परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड कि पेशेंस ख़त्म हो जाएगा या पैसा खत्म हो जाएगा मैंने देखा एक शेयर है हंड्रेड रुपीज़ का इसका शेयर तो पाँच सौ रुपये होना चाहिए आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की आपने बेस्ट एनालिसिस की आपकी एनालिसिस में भी कोई गलती नहीं है आपने सौ का शेयर ले लिया बैठे हो एक साल हो गए दो साल हो गए तीन साल हो गए पाँच साल हो गए और दस साल बाद जाके आपका प्राइस आया पाँच सौ क्या कहेंगे कुछ नहीं कर सकते सेम वे फंडामेंटल एनालिसिस में हो सकता है एक्चुअल प्राइस शेयर का और जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वो बहुत टाइम तक पास ना आए दैट में हैपन दैट्स ए लिमिटेशन रिलायंस ऑन सब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट प्रॉफिट अब अब मैं ना एक देखो ये एक होता है टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ और एक होता है मैं टॉपिक को एज अ क्रिटिक पढ़ रहा हूं मैं कैसा बंदा रहूं? जो ना फंडामेंटल एनालिसिस को हेट करता है तो मैं रीजन दे रहा हूं अरे आपको पता है आपने प्राइस निकाल भी दिया प्राइस तो बड़ी दूर है अरे आपको पता है आप जो बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो अरे ये तो मैनिपुलेशन होते हैं थिंक लाइक दिस तो इससे क्या होगा चीजें याद नहीं पढ़नी पड़ेंगी अपने आप चीजें इम्बाइब हो जाएंगी रिक्वायर्स डिटेल अरे एक एक सेक्टर पढ़ो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो क्रूड पढ़ो यूएस में क्या हो रहा है चाइना में क्या हो रहा है सारी देशों की टेंशन खुद ही ले लो इतना क्या पढ़ के करना है इंफॉर्मेशन इज कॉस्टली एंड नॉट अवेलेबल टू ऑल

वॉल्यूम से पता चलता है कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है कितनी बाइंग सेलिंग हुई है वॉल्यूम से पता चलता है कितनी कन्विक्शन है कितने स्ट्रॉन्ग हैं और और वॉल्यूम कंफर्म करता है प्राइस को ये जो प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है क्या ये डायरेक्शन सही है या गलत है सही है तो जोर की वॉल्यूम आएगी गलत है या फिर कह सकते उतना स्ट्रांग नहीं है तो प्राइस शायद रिवर्स कर जाए और अगर ये नहीं होता तो उसे डायवर्जेंस कहते हैं कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी है इसका मतलब प्राइस में दम नहीं है प्राइस वहां से डाइवर्ज कर सकता है तो इस तरीके से एक चार्ट बना होता है कि प्राइस इस तरीके से जा रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे और वॉल्यूम ज्यादा हो रही है कम हो रही है दो ट्रेंड होते हैं एक अप ट्रेंड होता है एक डाउन ट्रेंड होता है अपट्रेंड का मतलब हायर हाइज एंड हायर लोज और डाउन ट्रेंड का मतलब लोअर लोज एंड लोअर हाइज ये जो हाइज बन रहे हैं और हाई बन रहे हैं हायर हाइज बन रहे हैं और ये जो लो बन रहे हैं ये और लो बनते जा रहे हैं ठीक है ना डाउन ट्रेंड में क्या है डाउन ट्रेंड में हायर सॉरी लोअर लोस बनते जा रहे हैं और यहां पे लोअर हाइज बनते जा रहे हैं राइट इन फेवर ऑफ द ट्रेंड वॉल्यूम शुड बी हाई जब भी देखो ये ट्रेंड चल रहा है हायर हाई जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है तो जब भी मार्केट ऊपर जा रही है यहां पे वॉल्यूम हाई होनी चाहिए हाई वॉल्यूम और जब मार्केट नीचे जा रही है तो यहां पे लो वॉल्यूम होनी चाहिए ऊपर जा रही है हाई वॉल्यूम होनी चाहिए नीचे आ रही है लो वॉल्यूम होनी चाहिए क्यों क्योंकि अप ट्रेंड में जब भी मार्केट ऊपर जा रही है तब हाई वॉल्यूम और नीचे आ रही है थोड़ा सा करेक्ट कर रही है उसे वहां पे लो वॉल्यूम होनी चाहिए तभी अप ट्रेंड अच्छा अपट्रेंड कंफर्म होता है द सेम वे जब मार्केट नीचे जा रही है तो जब नीचे जाए तो हाई वॉल्यूम नीचे जाए हाई वॉल्यूम नीचे जाए हाई वॉल्यूम और जब नीचे को पुश करके ऊपर कोशिश कर रही है तो उसमें वॉल्यूम कम होना चाहिए वहां पे दम कम होना चाहिए ठीक है और अगर उल्टा हो रहा है मतलब कि एक डाउन ट्रेंड मार्केट चल रही है और वहां पर पे अगर वॉल्यूम आ रही है मतलब यहां से ट्रेंड पलट सकता है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अगला आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत अच्छे से काम आता है इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा यूएस मार्केट इंडियन मार्केट मुझे लगता है कि यूएस मार्केट इंडियन मार्केट से अच्छी चलेगी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यूएस यूएस मार्केट एंड इंडियन मार्केट मुझे लगता है कि यूएस मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुकी है अब मुझे लगता है मैंने क्या बोला मुझे लगता है अब ये लगता कैसे हो सकता है फंडामेंटल की वजह से भी हो सकता है टेक्निकल की वजह से भी हो सकता है स्टैटिस्टिक्स की वजह से भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजी की वजह से भी हो सकता है कुछ भी रीजन की वजह से मुझे लग सकता है तो इस लग सकता पे ट्रेड कैसे करें मुझे लगता है यूएस मार्केट आउट परफॉर्म करेगी इंडिया को मैंने ये नहीं बोला यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया से मतलब मैं नहीं कह रहा यूएस मार्केट बढ़ेगी मैं कह रहा हूँ इंडिया से बेटर परफॉर्म करेगी कैसे अगर इंडियन मार्केट इतनी बढ़ेगी तो यूएस मार्केट बहुत बढ़ेगी अगर इंडियन मार्केट बहुत गिरेगी तो यूएस मार्केट थोड़ी सी गिरेगी इसमें ट्रेडिंग कैसे करें यहां पे हम एक पेयर बना सकते हैं पेयर बना सकते हैं पेयर ट्रेडिंग मतलब जिसमें लग रहा है जिस मार्केट में स्ट्रेंथ लग रही है उसको मैं बाय कर लूंगा और जिस मार्केट में वीकनेस लग रही है जो रिलेटिवली रिलेटिवली वीक लग रहा है उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा अब क्या होगा मान लेते हैं ये सिनेरियो होता है इसको बाय किया था मैंने तो इसमें मुझे प्रॉफिट हो गया और इसको सेल किया था मैंने इसको मैंने सेल किया था तो इसमें मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया सेकेंड सीनेरियो लेते हैं इसको मैंने बाय किया था इसमें थोड़ा सा लॉस हो गया इसको मैंने सेल किया था मुझे बहुत सारा गेन हो गया तो जब भी अब हमें चेक करना है ये कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट बना सकते हैं दो चीजें होती है एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ हम यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूएस और इंडिया ठीक है ना यूएस लेट से इंडिया आउट परफॉर्म करेगी एक मिनट के लिए ठीक है ना इंडिया में इंडिया में मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं इंडिया में मुझे लगता है कि अलग अलग सेक्टर्स देखता हूं लेट से आई सेक्टर फार्मा सेक्टर ऑटो सेक्टर मुझे देखना है इन सेक्टर्स में से सबसे बढ़िया सेक्टर कौन सा है तो मैं क्या करता हूं मैं एक चार्ट बनाता हूं ऑटो बाय इंफोस ऑटो बाय ऑटो बाय आईटी ऑटो बाय आईटी का चार्ट एक बना देता हूं इसमें क्या बनता है इस तरीके से लेट से चार्ट बन रहा है लेट से दिस चार्ट इज ऑटो बाय आईटी इसका मतलब क्या है कौन भाग रहा है कुछ नहीं कह सकते इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है ऑटो जो न्यूमरेटर है दैट इज ऑटो ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है आई टी को एक्स बाय बाई को अगर आप प्लॉट करोगे और अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है दैट x इज आउट परफॉर्मिंग y. तो जब मैंने देखा यहां से आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गई है तो मैं क्या करूंगा मैं ऑटो को बाय करूंगा आई को सेल करूंगा अब मान लेते हैं मुझे यह दिख रहा है चार्ट मान लेते हैं मैंने यहां पे देखा ऑटो बाई आईटी इसका मतलब क्या हो रहा है ऑटो जोर से गिर रहा है और आईटी धीरे से गिर रहा है या फिर ऑटो थोड़ा सा बढ़ रहा है और आईटी जोर से बढ़ रहा है कुछ भी हो सकता है गिरने का मतलब है आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस ठीक है ना अब मैंने आईटी स्टॉक लिया अब आईटी में मैं क्या कर रहा हूं मैंने लेट से विप्रो ले लिया तो मैं क्या करूंगा विप्रो बाय आईटी अब विप्रो बाय आईटी का चार्ट खोल लूंगा विप्रो बाई आई टी का चार्ट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है प्लीज थिंक फॉर अ मोमेंट पॉज द वीडियो एंड थिंक विप्रो बाई आई टी का चार्ट बढ़ रहा है मतलब कौन किसको आउट परफॉर्म कर रहा है विप्रो आई टी को आउट परफॉर्म कर रहा है एक्स बाय वाई में इक्वेशन है एक्स बाय वाई में जब भी एक, एक चार्ट अगर अप ट्रेंड में है तो एक्स आउट परफॉर्म करता है वाई को और अगर विप्रो बाय आई टी नीचे गिर रहा है इसका मतलब आई टी में वीक विप्रो अभी चल रहा है तो उस केस में विप्रो को शॉर्ट कर सकते हैं आई टी इंडेक्स को लॉन्ग कर सकते हैं राइट when the graph is upward that means up ऊपर वाला x is outperforming the y and the graph is downwards vice <coughs> versa इसके अंदर आगे हम बात करते हैं इंटरमार्केट एनालिसिस की ये टॉपिक के बाद हम वीडियो को एंड करते हैं इंटरमार्केट एनालिसिस हमारी मार्केट इंटरलिंक्ड होती है दूसरी मार्केट्स के साथ कैसे जॉन मफी की एक बहुत बढ़िया बुक है इंटरमार्केट एनालिसिस आप जरूर पढ़ना बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग बुक है थोड़ी सी बड़ी बुक है अगर आप अमेजोन पे देखेंगे अराउंड शायद चार पांच हजार की बुक होगी वो तो उसका जो किंडल वर्जन है वो इजीली अमेजोन पे अवेलेबल होगा तो वो आप बाय करके आप जरूर उसे देखिएगा बहुत बढ़िया बुक है अच्छे समझाया तो उसी में से एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करके दिया हुआ है हमारे सिलेबस के अंदर जॉन मर्फी ऑथर का नाम है एक्सप्लेन दैट ऑल मार्केट्स आर इंटरकनेक्टेड इक्विटी मार्केट की बात करो बॉन्ड मार्केट की बात करो कमोडिटी की बात करो करेंसी की बात करो तो ये बंदा कहता है इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है ये बंदा कहता है इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो बॉन्ड के प्राइस गिरते हैं बिकॉज मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है लेट uh, से मैंने एक मैंने एक बॉन्ड इशू किया मैंने एक बॉन्ड इशू किया जो एट परसेंट इंटरेस्ट पे करता है एट परसेंट इंटरेस्ट पे करता है इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए इकोनॉमी में अब इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट हो गए हैं लेकिन मैं कितना पे कर रहा हूँ अभी भी मैं सिर्फ एट परसेंट आपको पे कर रहा हूँ तो लोग मेरे बॉन्ड को लेंगे या किसी और के बॉन्ड को लेंगे जो टेन परसेंट दे रहे हैं

क्योंकि इंटरेस्ट कंपनीज बोरो करती हैं उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है प्रॉफिट कम करने होने से शेयर का प्राइस गिर जाता है इंटरेस्ट रेट का और कमोडिटी का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है रीजन बिंग जो भी कमोडिटीज होती हैं वो डॉलर के टर्म्स में डिनोमिनेटेड होती हैं एंड देयरफॉर डॉलर का प्राइस गिर जाता है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से रीजन बिंग इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से डॉलर का प्राइस गिर जाना या फिर कह सकते हैं रुपी का प्राइस बढ़ जाना अगर हमारी कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आएंगे नहीं आएंगे वो अपनी कंट्री छोड़ के हमारी करं हमारी कंट्री में आएंगे हमारी कंट्री में आएंगे तो क्या होगा रुपी को बाय करेंगे रुपी को बाय करने का मतलब क्या है डॉलर का प्राइस गिरना डॉलर का प्राइस गिरना और क्योंकि करेंसीज डॉलर की प्राइस में दिखते हैं तो उस केस में करेंसी उस केस में जो करेंसी का प्राइस है करेंसी का प्राइस गिर जाता है तो डॉलर डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो वैल्यू बढ़ी हुई दिखती है कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्फ्लेशन आती है और इन्फ्लेशन देखो इंटरेस्ट रेट ये ये हो गया एक तरीका समझने का दूसरा सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना एक तरह से कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन ही तो है इंटरेस्ट रेट में एक कॉम्पोनेंट होता है इन्फ्लेशन राइट right. तो so, अगर इन्फ्लेशन महंगाई आ रही है महंगाई किस चीज में कमोडिटी में अगर महंगाई आ रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा एज सिंपल एज दैट वन कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस लॉजिक ऑल्सो दस इफ यू प्लॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ कर्व वही रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ऊपर मैंने टॉपिक किया था उसी रिलेटेड रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं इफ यू प्लॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टी बॉन्ड प्राइस एंड एस एन पी फाइव हंड्रेड टी बॉन्ड मतलब कह सकते हैं बॉन्ड्स और कह सकते हैं इक्विटी बॉन्ड और इक्विटी में इनवर्स रिलेशन होता है आप देख सकते हैं सॉरी बॉन्ड और इक्विटी वेट इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बॉन्ड गिरेगा और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इक्विटी प्राइस भी गिरेगा सो दे हैव पॉजिटिव कोरिलेशन राइट सॉरी एंड टू फाइंड दैट दिस ग्राफ है और ये ग्राफ अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है बॉन्ड मार्केट आउट परफॉर्म कर रही है और इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है ठीक है इस तरीके से हम एलोकेशन कर सकते हैं अपने फंड्स की कि मुझे लग रहा है बॉन्ड मार्केट बढ़ने वाली है तो बॉन्ड मार्केट में पैसा डाल दो इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल दो दस वीकेंड दस कैरी आउट सेक्टर एलोकेशन जैसे मैंने बताया सेक्टर को लेके कर सकते हैं सेक्टर के अंदर जाके फिर सेक्टर सिलेक्शन कर सकते हैं वही चीज आ रही है इन मोस्ट चार्ट हॉरिजोंटल एक्सेस रिप्रेजेंट टाइम हॉरिजोटल एक्सेस में टाइम दिखता है और वर्टिकल एक्सेस में हमें टाइम दिखता है सॉरी प्राइस दिखता है टाइम मिनट्स में हो सकता है आवर्स में डेज में वीक्स में मंथ्स में ईयर्स में भी ऑल नो दिस थिंग वर्टिकल एक्सेस में प्राइस आता है प्राइस को कोई भी एक चार्ट होता है बहुत बड़ा लेट्स ए बिटकॉइन बेटकॉइन एक टाइम पे टेन डॉलर था फाइव डॉलर था और आज के टाइम पे सेवेंटी थाउजेंड डॉलर तक हो के आया और आज अभी सेवनटीन एटीन थाउजेंड नाइनटीन थाउजेंड डॉलर चल रहा है तो इतने छोटे से लेके इतने प्राइस को एक चार्ट पे प्लॉट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट तो वहाँ पर एक लॉग स्केल यूज़ होता है लॉग स्केल या लॉग चार्ट यूज होता है तो उसको हम देख सकते हैं चार्ट ऑफ डाउजोन्स नाइनटीन टेन से टू थाउजेंड ट्वेंटी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया बहुत बड़ी रेंज होगी तो उस केस में एक लॉग चार्ट यूज होता है गोल्ड गोल्ड का प्राइस वन ईयर में हंड्रेड ईयर में देखना है तो हंड्रेड में गोल्ड का प्राइस कहां से कहा गया उसको प्लॉट करना लॉग स्केल में होता है बिटकॉइन का प्राइस प्लॉट करना तो वो भी लॉग स्केल में होता है राइट चार तरह के चार्ट्स होते हैं लाइन चार्ट बार चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट एंड वो टाइप्स आई थिंक बाय मिस्टेक फोर लिख दिया होगा बस जो सिलेबस में वैसे तो होते तो दस पंद्रह तरह के भी होते हैं वेअर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस थ्री लाइन चार्ट में क्या होता है हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइसिस को लेते हैं हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइसिस को लेते हैं क्लोजिंग प्राइसिस को हमने जोड़ दिया उससे एक चार्ट बन गया दैट इज नोन एज अ लाइन चार्ट बार चार्ट क्या होता है ओपन हाई लो क्लोज को लेते हैं एक बार बनाते हैं जिस तरह से ये बना हुआ है दिस इज अ बार चार्ट कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है यही चार्ट होता है इसको बस कनेक्ट कर देते हैं इसको बस इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और इसको फिल कर देते हैं दिस इज नोन एज अ बार चार्ट कैंडल स्टिक चार्ट सॉरी कैंडल स्टिक चार्ट और भी पॉपुलर कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं एक डोजी पैटर्न होते हैं मतलब अलग 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 तरह के पैटर्न होते हैं लाइक like, ये ये कैंडल 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 और ये डोजी का मतलब है ओप दैट इज जो ओपन और क्लोज है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हो रहे हैं दैट इज नोन एज अ डोजी कैंडल और डोजी कैंडल के बाद जनरली एक

ये प्लॉट किया ये प्लॉट किया ये प्लॉट किया इसके बाद ये प्राइस नीचे 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 नीचे, नीचे आया और ये प्लॉट किया प्लॉट किया फिर ये नीचे नीचे प्राइस आया मतलब ओ का मतलब है प्राइस नीचे जा रहा है एक्स का मतलब है प्राइस ऊपर जा रहा है इसके अंदर कोई भी टाइम एक्सेस नहीं होता इसके अंदर सिर्फ एक रेंज एक्सेस होता है रेंज का मतलब आपको समझाता हूँ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट कॉलम ओनली वेन देर इज अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस एटलीस्ट थ्री टाइम्स लेट से एक बॉक्स मीन फाइव रुपीज स्टॉक टेन से फिफ्टीन हुआ फिफ्टीन से ट्वेंटी हुआ तो मैं क्या करूंगा टेन फिफ्टीन ट्वेंटी अब मान लेते हैं वापिस से ट्वेंटी से फिफ्टीन हो गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा एटलीस्ट थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स मतलब कि फाइव 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 फिफ्टीन फिफ्टीन मीनस यहां पर मुझे फाइव चाहिए जब यह फाइव हो जाएगा तो जाके यहां पे एक सर्कल बन जाएगा अब फाइव से जीरो तो यहां पे फिर मैं यहां पे चले जाऊंगा फिर यहाँ से माइनस फाइव ऑल दो माइनस फाइव प्राइस नहीं होता वी ऑल नो बट एग्जाम्पल इस तरीके से माइनस फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव अब जब रिवर्स ये एक्स तब बनेगा जब वहाँ से तीन गुना दैट इज फिफ्टीन का जब आएगा जनरली थ्री टाइम्स होता है ये कस्टमाइजेबल चार्ट है आप थ्री टाइम भी कर सकते हो टू टाइम भी कर सकते हो फाइव टाइम भी, भी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो एंड दिस इज हाउ दिस चार्ट इज एक्चुअली ड्रॉन एप्लीकेशन नहीं है आपके सिलेबस में जस्ट जानना जरूरी है जीरो मतलब नीचे एक्स मतलब ऊपर और रिवर्सल तब आता है जब एक सर्ट टेन टाइम्स होता है एक बॉक्स साइज का इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ है यू कैन रीड दिस थिंग तो इसके बाद हम वीडियो को हम एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय बाय